हेलो रीडर्स, वेलकम ग्रैंड एंड स्टॉक्स। देखिए, आज लगातार दूसरे दिन मार्केट्स ने गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि देखिए, जो वीकली एक्सपायरी थी वो कल की जगह आज हो गई है, क्योंकि कल मार्केट का हॉलीडे है ईद की वजह से। और सिर्फ यही कारण नहीं था, ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में जो वीकनेस थी उनकी वजह से भी एक कारण था आज की गिरावट का, अगर आप ओवरऑल देखेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यहीं पे ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं तो कोई बहुत भारी नेगेटिव सेंटीमेंट यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। खुशी की बात यह है कि लगातार तीसरे चौथे दिन हमने कोरोना केसेस के अंदर एक कमी देखी है। 4 लाख के जो लेवल्स थे उसको 3 दिन से हम लोग यहां पर ऊपर नहीं क्रॉस कर रहे हैं। इनफैक्ट जो रिकवरी रेट है वो भी यहां पर डेली के पॉजिटिविटी रेट से बहुत ज्यादा है। तो ये बेसिकली एक गुड आप साइन कह सकते हैं रिकवरी का कोविड केसेस के अंदर। अब आई होप कि ये सारी चीजें आगे चलती रहे ऐसे ही और हम धीरे धीरे 3 लाख से भी नीचे आए एंड लोगों के अंदर देखिए जो डर का माहौल है उससे जल्दी से जल्दी हम लोग बाहर निकलने की कोशिश करें। इस वीडियो के अंदर देखिए IOC के बारे में बताने जा रहा हूं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत सारे सवाल ऑलरेडी मेरे पास में IOC को लेके आए थे कि काफी लंबे टाइम से पीक बनाने के बाद में ये स्टॉक भी नीचे के लेवल्स पर कामकाज करता आ रहा था, लेकिन फिर अचानक से इसके अंदर एक रिवर्सल आता है। लेकिन बीते 4 दिन में ऐसा यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो एक्चुअली में 16% की तेजी यहां पर देखने को मिली मात्र पिछले 4 दिनों के अंदर। और अब इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि देखिए, इसके अंदर बहुत लंबे टारगेट्स हमने देखे थे, सुझाए थे 130 रुपए के, 140 रुपए के आसपास के। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तब आपको टाइम टू टाइम अपनी बेसिकली पोर्टफोलियो को चेक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस वक्त IOC आपसे क्या कह रहा है वही सारी चीज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको यहां से एग्जिट लेनी चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए या फ्रेश पोजीशंस बनानी चाहिए सो दैट कि फ्यूचर में आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सके। सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने ट्रेंड एंड स्टॉक्स को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बराबर में दिया बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आप अपनी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं IOC के चार्ट्स के ऊपर, वहां पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इसके प्राइस स्ट्रक्चर को। तो चलिए डेली चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए आज की कहानी देखिए इसकी क्या है। इसकी ओपनिंग होती है आज लगभग 102 रुपए के आसपास और यहां पर डे हाई जो आज ये लगाता है 107 रुपए तक का। और ये आज जो इसने 107 रुपए तक के लेवल्स दिखाए हैं, इसने आज नया अपना 52 वीक हाई लगा लिया है। और देखिए, लेकिन वहां पर हुआ क्या है कि बहुत जबरदस्त तरीके से सप्लाई आई और इस स्टॉक ने क्लोजिंग जो दी है वो 104 रुपए के आसपास दी है, यानी कि गिर के नीचे की तरफ आ गया। और अगर आप देखेंगे इस रेड लाइन को जो मैंने ड्रॉ किया है, थिक रेड लाइन है, ये एक्चुअली में इसके प्रीवियस मल्टीपल टाइम्स के रेजिस्टेंस है। ये बार बार इन लेवल्स तक जाता है। किन लेवल्स तक? जो 105 रुपए के आसपास है, यानी कि 105 रुपए तक के लेवल्स को छूता जरूर है लेकिन वहां पर क्रॉस नहीं कर पाता है। इसीलिए सवाल मेरे पास इतने ज्यादा है कि सर ये बार बार मल्टीपल टाइम्स 105 रुपए के लेवल्स को छूता है लेकिन वहां से गिर जाता है, तो कब एक्चुअली में हम लोग ये चीज सोचें कि ये 130 रुपए, 135 रुपए तक के लेवल्स पर जो उम्मीदें दिखाई दे रही थी, मार्केट के एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे, वहां तक जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट की कंडीशंस कौन सी होती हैं। ब्रेकआउट की कंडीशंस वो हैं जब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर ले, यानी कि डिसाइसिवली क्रॉस कर ले। यहां पर क्रॉस तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया इन लेवल्स, वो गिर के वापस से नीचे आ गया। तो जब तक इस रेड लाइन को ये ऊपर की तरफ क्रॉस ना कर ले तब तक आपको ये चीज समझनी चाहिए कि इस स्टॉक के अंदर वही रेंज कायम है जो पहले से चली आ रही है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है 105 रुपए के आसपास का, ये वापस से गिर के नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे के जो पहला सपोर्ट है इसका वो है 94 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए और बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर लाइन ड्रॉ करके इजिली आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो ब्रेकआउट आए और एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट के साथ में यहां पर बेसिकली आपको कंफर्मेशन मिले कि यहां से फर्दर अगली ऊपर की ट्रैजेक्टरी में चलने के लिए तैयार है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये इस 105 रुपए के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम्स जो इसके अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वैसे ही वॉल्यूम्स होने चाहिए आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी, यानी कि 105 रुपए के लेवल्स हैवी वॉल्यूम्स के साथ में ये अगर क्रॉस करता है तब एक कंडीशन बनती है कि यहां से एक नई ट्रैजेक्टरी, एक नए
ब्रेकआउट की संभावना आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, सिर्फ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रॉस करना ही यहां पर हमें ये चीज नहीं बताता कि इसने बेसिकली रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और ये अब ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। इंपॉर्टेंट क्या है समझना, वो ये चीज है कि देखिए, अगर ये क्लोजिंग देता है इस रेड लाइन के ऊपर, उसके बाद में कुछ ट्रेडिंग सेशंस इसको इसके ऊपर ही बने रहना चाहिए। अगर ये बना रहता है तभी जाके कंफर्मेशन के साथ में हम 110 रुपीज के आसपास में फ्रेश एंट्री लेने की शुरुआत कर सकते हैं, जो हमें इसके अंदर नई ट्रैजेक्टरी दिखा सकती है 130 रुपए तक। तो ये चीज हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि देखिए, अगर आप बेसिकली पोजिशनल ट्रेडर हैं और आपने मेरी पुरानी वीडियो के हिसाब से, जो मैंने आईओसी में आपको लेवल्स दिखाए थे उनके हिसाब से अपने पोजीशंस बनाई थी, तो आपके लिए एग्जैक्टली सही टाइम आ गया है कि आप अपने प्रॉफिट को बुक कीजिए। क्योंकि आप आरएसआई से भी देखेंगे तो आरएसआई भी यहां पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस इस वक्त दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां से स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। जो रेजिस्टेंस आज फेस किया, जो सप्लाई आज आई है, वहां पर इसने बेसिकली स्ट्रेंथ जो बनती आ रही थी बीते चार दिन से, उसको लूज कर दिया है कहीं ना कहीं। तो टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे, यहां पर कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही है कि स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल करना चाहिए, या फिर मैं तो कहता हूं बहुत अच्छे लेवल्स हैं, यहां से एटलीस्ट एक बार इसके अंदर से एग्जिट लेनी चाहिए। फ्रेश लेवल्स कहां बनेंगे, आज 107 रुपए के लेवल्स इसने छुए थे, 110 रुपीज के आसपास, यानी कि इससे 5 रुपए ऊपर, इस रेजिस्टेंस लाइन से 5 रुपए ऊपर जब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग देने लगे, तब 110 रुपए पर हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, एंड देन फिर हम लोग इसके अंदर टारगेट रख सकते हैं 130 रुपए का। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए थी आईओसी के अंदर। मुझे नहीं पता कि आपने एग्जिट लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन अगर नहीं लिया है तो मेरे हिसाब से आपको फिलहाल इसके अंदर एग्जिट ले लेना चाहिए। 18 तारीख को इनकी है बोर्ड मीटिंग, जिसके अंदर Q4 एंड फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट्स ये लोग सामने लेके आएंगे, और साथ ही में अगर कोई फाइनल डिविडेंड होगा तो उसका भी अनाउंसमेंट होगा। देखिए, ऑलरेडी इस फिस्कल ईयर में अब तक 10.5 रुपए का डिविडेंड ये कंपनी दे चुकी है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं कहूंगा कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं है और आपने इन लेवल्स के ऊपर कहीं पे भी पोजीशंस बना रखी है 90 या उससे नीचे के लेवल्स पर, तब मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि इसके अंदर से आपको एग्जिट लेना चाहिए। थोड़ा सा टाइम और दीजिए और एटलीस्ट 125 रुपए तक के लेवल्स तो इसके अंदर डेफिनेटली आपको आने वाले 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छा स्टॉक है और पिछले क्वार्टर में 5000 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस बार ज्यादा की उम्मीद है, यहां से ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही में अगर डिविडेंड आता है तो वो भी आप बेसिकली एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल आईयूसी के अंदर लॉन्गर टर्म का व्यू रखें तो आपको निकलना नहीं है, और पोजिशनल ट्रेडर अगर आप हैं तो डेफिनेटली अभी आपको एग्जिट ले लेना है। री एंट्री के पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं आईओसी के अंदर। तो इस तरीके से देखिए, हमें इसके अंदर स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए सो दैट कि हमारा लॉस ना हो। हमने जो बेसिकली अर्न किया है इसके अंदर 90 रुपए के लेवल से और अभी तक, वो हमारा प्रॉफिट इंटैक्ट रहे अगर हम ट्रेडर हैं। तो इस तरीके से आप बेसिकली इसके अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी ले सकते। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।